हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार आप सभी लोगों को। और चलिए पहले सीधे आप लोगों को ब्लॉग के पास लेके चलते हैं। ब्लॉग के पास मतलब ब्लॉग से ही शुरुआत करते हैं, और वो भी आज का ब्लॉग शुरू होगा गोलगप्पे से, क्योंकि मैं गोलगप्पे लेकर आया हूँ और मनीषा एकदम खुश। लेट्स गो। पानी पूरी लवर्स एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्या खूबसूरत है एकदम, और पानी तो भाई साहब इतना टेस्टी है कोई जवाब नहीं। और पानी पूरी के साथ पानी पूरी लवर आ चुकी हैं। क्या हो ऐसे ना, तबीयत सब ठीक है? पानी वानी पूरी पानी पूरी आप तो छोड़ दी थी, अब खाइएगा पानी पूरी। गाइस मैं जब इस रूम से यूं ऐसे आ रहा था तो ये कोने में यहाँ छुपी हुई थी, मेरे को भौं करके डरा दी। ये देखिए, हम सोचे थे ना कि आएंगे तो इनको डराएंगे, और ये भी सोचे थे कि आएंगे हाँ, तो इनको डराएंगे। मतलब मैं इसको डराऊंगा, तो ये भाई पहले से प्लानिंग में थी मैडम, उल्टे ही हुई। हम जस्ट प्लानिंग, पता नहीं क्या बनना है, हम जाके यहाँ छिप गए, और मेरे को लग मेरा साड़ी जब की दिख रहा था नीचे से पूरा, हम नीचे देखेंगे ऊपर से तो ये आ रहे हैं, और जब डराए तो वही देखा नहीं। जब हम लोग गोलगप्पे खा करके आ गए अपने कार में, वक्त हो रहा है 5:14, और अभी हम लोग निकलने वाले हैं अपने घर से। कहाँ पे? मनीषा भी जा रही है साथ में, और हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे बताओ जल्दी। मम्मा के लिए केक लाने, मम्मी के लिए केक और कुछ गिफ्ट वगैरह, कुछ देखते हैं अब ये क्या पसंद करती है। वैसे मैंने तो अपना गिफ्ट दे दिया था भैया, अब केक वगैरह नहीं आ रहा है, लेकिन देखने तो पता चलेगा। वैसे मम्मी का बर्थडे मेरे आने पे पहली बार है तो अच्छा लगता है। नहीं नहीं, एक्चुअली आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मम्मी का बर्थडे कभी सेलिब्रेट हम लोग करते नहीं थे, क्योंकि मम्मी का एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ पता नहीं था, तो आधार कार्ड वाला डेट ऑफ जो बर्थ था उस डेट ऑफ बर्थ को लेकर के हमने बोला कि नहीं, हम लोग पिछले साल से कि हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो फाइनली वो दिन आ चुका है, आज है 13, मतलब आज तो 12 है लेकिन आप 13 को देख रहे हैं, तो 13 अक्टूबर को हैप्पी बर्थडे मम्मी। और चलिए हम मम्मी के लिए कुछ कुछ शॉपिंग, कुछ कुछ चीज़ें हम लोग खरीदते हैं, लेट्स गो, है ना। चलिए आप लोग देख सकते हैं हम लोग निकल पड़े घर से, और ये हमारे घर के बाहर का कुछ रास्ता, रास्ते में इंसानों के साथ साथ हम लोग गाय भैंस भी मिलती है, ये बिल्कुल बाजार है और एजेंसी के पास, और यही वो दुकान है जहाँ से मैं सारी घर की किराना राशन वगैरह खरीदते हैं हम लोग सिवान में जब रहते हैं तो। और मनीषा ऐसा लग रहा है गिरने वाली है, गिरेंगी नहीं ना जी। सो गाइज अभी हम लोग पहले अपने स्कूल पे जाएंगे हम लोग, और वहाँ मेरे ऑफिस में मेरा लैपटॉप छूट गया है जिससे मैं आप लोगों की वीडियोस एडिटिंग करूँगा, तो आप लोगों के लिए वीडियो डालना जरूरी था, तो मैं ये लैपटॉप ले करके आऊँगा अभी, और पहले हम लोग ऑफिस से शुरू करेंगे। सुनिए ना। हाँ जी सुनाइए ना। मिस्टर राज गए हुए हैं अपने ऑफिस में शायद कुछ लाने के लिए, तब तक मैं बैठी हूँ कार में, और कार में से ये सब लगा हुआ है ताकि बाहर से नहीं दिखेगा, और मैं यहीं पे हूँ, आप लोग देख सकते हैं मिस्टर राज। तो ये आ गए, ये कहीं भी जाते हैं मेरे को कार में बैठा देते हैं, नहीं बोला उतरना है तो कह रही नहीं उतरना, मैं ठीक से बैठे रहो, एक मिनट से भी कम नहीं लगा होगा मुझे, और किसी एक मिनट में 60 सेकेंड आता है, 60 सेकेंड लगते यहाँ भी मेरे को नहीं पता, और आप लोग एक चीज़ दिखाएंगे यहाँ देखिए मनीषा की बहन। ये भी इसकी वाइफ है, मन कर रहा हूँ। ये देखिए स्वीट्स का दुकान, और हम लोग ये देखिए सोच रही कि कार से उतरने से पहले दुपट्टा पल्लू मिलती है, उतरो यार बाहर मार्केट में कोई बात। और हम लोग पहुँच गए अपने फेवरेट मोंजिनीस पे, और ये आप देख सकते हैं मोंजिनीस केक शॉप, ये जब भी कोई केक लेना होता है तो हम लोग कहाँ से लेते हैं केक, ये हमारी फेवरेट शॉप, दिस इज द शॉप। तो ये पल्लू क्यों लगाया गया? नहीं भैया बस भाई, ये देखिए कुछ खाना है जी, और सोच रहे हैं बच करके कुछ मिनट, जब हम लोग मॉल में आ चुके हैं, लगा लीजिए मास्क,
गाइस अब हम लोग फाइनली मॉल में आ चुके हैं और मैडम की शॉपिंग शुरू है। कभी मम्मी कभी इनको, अब इनको लेना है। म्यूजिक बज रहा है, जो घुमा रही है। आज मनीषा कुछ खरीदा जाएगा कि नहीं? पूरे इसको 5-7 मिनट हो चुके हैं मॉल में, अभी घूम ही रही है, हम भी घूम रहे हैं साथ साथ। देखिए ये सब क्या क्या ये लोग परचेस कर रही हैं। अब पसंद आएगा कि नहीं मम्मी को, वो अलग टेंशन है एक। अभी पहले अच्छी कलेक्शन, फ्रेश कलेक्शन आई हुई है वैसे मॉल में, तो मुझे नया नया बिल्कुल कलेक्शन दिख रहा है। डबल एक्सल चाहिए। सो मनीषा को आज लग रहा है फाइनली पसंद आएगा कि नहीं, डाउट ही है। तो बहुत सारी फ्रेश कलेक्शंस यहाँ पे आई हुई हैं और म्यूज़िक पीछे डिस्टर्ब कर रहा है। अब एक मॉल में तो हम लोगों का हो चुका है, यहाँ से कुछ पसंद नहीं आया मनीषा को। एक्चुअली कुर्ती वगैरह कुछ लेना चाह रही है इस टाइप में, बट अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं जस्ट बिकॉज हम लोगों को कुछ पसंद नहीं आया। देखते हैं दूसरी जगह क्या हो सकता है। हम लोग स्टाइल अप पहुँच चुके हैं और देखते हैं यहाँ कुछ पसंद आ रहा है कि नहीं हम लोगों को। यहाँ शॉपिंग के लिए चल पड़ी है मनीषा, देखते हैं फाइनली यहाँ कुछ पसंद आ रहा है कि नहीं। इनको साइज का इश्यू आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट होता है शॉपिंग के जाना। सो गाइज आफ्टर ऑल यहाँ भी 10 मिनट लग चुके हैं और अभी तक मनीषा कुछ पसंद नहीं आया। मुझे एक चीज़ पसंद आ गया था, मैंने बोला कि ले लो, तो चीज़ लाइक कि नहीं कुछ साइज का इश्यू वगैरह होगा, तो अब धीरे धीरे शॉपिंग चल ही रहा है। ऐसे शॉपिंग मॉल में भी ऐसे वीडियो बनाना थोड़ा सा ये लगता है, लेकिन यहाँ भी इनको पसंद नहीं आ रहा है। अभी हम लोगों ने ये वाला ड्रेस पिक किया है, क्या पता है मम्मी को पसंद आएगा कि नहीं। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ गया ये वाला ड्रेस, छुपा दी पीछे। तो ये वाला ड्रेस हमने लिया है, शायद ये मम्मी को पसंद आ जाएगा। सो अभी देखते हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताइए कौन सा ड्रेस अच्छा लग रहा है, अगली बार हम लोग आके वही वाला परचेस कर लेंगे। मनीषा इधर घूम के, जो मेरे पे अच्छा लगेगा मम्मी में भी अच्छा लगेगा, तो इनके अनुसार मम्मी पे वही अच्छा लगेगा जो इन पे अच्छा लगेगा। बढ़िया। सो अभी इनको अभी भी बिलिंग हम लोग करवा रहे हैं और अभी तक इनको चैन नहीं आ रहा। सो गाइस फाइनली हम लोगों को वन गो में स्टाइल अप में जा कर के चीज़ें पसंद आई हैं। और सिवान में स्टाइल अप में मैं पहली बार शॉपिंग करने आया हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में सब कुछ आपको चीज़ें मिल रही हैं पीछे भी। और यहाँ से आप जो भी चीज़ें ले जा सकेंगे, मुझे लगता है कि रीज़नेबल है, इट्स गुड। तो ये आई थिंक मंथ का तीसरा शॉपिंग हमारा, लेकिन ये तो शॉपिंग बनता ही था, मम्मी का बर्थडे है कि नहीं। मुझे कुछ कहना चाहोगी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा इतने सारे कपड़े हैं, और सब कपड़े पसंद आ रहे हैं लेकिन साइज नहीं मिल पा रहा है। साइज भी मिल गया है, लेकिन इनको डाउट हो रहा था कलर को लेकर के, तो मैंने बोला कि नहीं कलर इज परफेक्ट। कलर पसंद आया जो बोले कि यही कलर ले लो, मम्मी को पसंद आया फिर मैं ले ली। तो हम लोग एक सेकेंड आ रहे, मेरे को ड्रेस पसंद आया। अभी इनको पसंद आते रहेगा, कुछ 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 जा कर के लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें और लेकर के आते हैं। मनीषा बिलिंग के टाइम ओ भाई मॉल में डिस्काउंट करवा लो। डिस्काउंट नहीं था इस पर, नहीं था इस पर डिस्काउंट, फ्रेश पीस है ना, फ्रेश पीस में डिस्काउंट। देखिए मजाक कॉमेडी चल रहा है यहाँ पे। ठीक है सो फाइनली डन, पिक इसको पिक कीजिए। देखिए कैसे लड़ाई कर रही है। ₹6 लगता है ना ऐसा, इसका 1 रुपया, बाकी जगह 6-6 रुपये चार्ज करते हैं। तब दे दी है KFC में 10 रुपये का, तुरंत दे देना है। ये होती है भाई घरेलू औरतें। हाँ बिल रखे रहिएगा। ये हैंगर लेके जाना था क्या? नहीं तो। चलिए लकीली हम लोगों ने कुछ हमें मिल गया था और अब फाइनली हम लोग घर की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग घर पे आ चुके हैं और मुझे पहली बार इतना खुशी हो रहा है कि हम लोग लगभग 1-1.5 घंटे में ही सब कुछ कंप्लीट करके आ गए, वो भी बिल्कुल क्राउडेड एरियाज है ना। तो चीयर्स क्लैप मनीषा के लिए। सो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आगे का आप बोल दीजिए।
और अगर अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को खूब सारा शेयर कीजिएगा और मम्मी को हैप्पी बर्थडे विश जरूर कर दीजिएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, बाय बाय, आई लव यू ऑल, बाय।